विजय वर्मा ने सीधे शाहरुख खान को टक्कर दी है भाई। जो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग था जवान मूवी में कि जब मैं विलन बनता हूँ ना, उसी डायलॉग को फ्लिप करके उल्टा कर दिया विजय वर्मा ने। अरे भाई, इतना स्वैग कि शाहरुख खान के डायलॉग को फ्लिप कर दो तुम, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। हम बात कर रहे हैं मूवी जाने जा की। विजय वर्मा ने यहाँ पे डायलॉग मार दिया कि जब मैं हीरो बनता हूँ ना, तो वैसा डायलॉग है। इनफैक्ट जाने जा सिर्फ इसकी वजह से फेमस नहीं हो रही है, जाने जा सच में बहुत अच्छी मूवी बनाई है। इनफैक्ट करीना कपूर, वो कौन है जिसने पू को मुड़के नहीं देखा? कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? इससे उभर कर करीना कपूर एक फाइन एक्ट्रेस के रूप में नजर आ रही है जाने जा में। और अगर बाय चांस भी आपको करीना कपूर पसंद है, जो कि जनरली लोगों को होती है क्योंकि सुंदरी इतनी है, तो वीडियो एंड तक देखना, हम आपको बताएंगे कि जाने जा आपको क्यों देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे घर पे बैठ के आप ये मूवी देख सकते हो। और इस मूवी के कुछ अंग इतने बेहतरीन है, इतना दिमाग लगाया गया इस मूवी को बनाने में कि भैया मुझे तो बहुत पसंद आई। तो भाई जाने जा की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक सिंगल मदर पे, क्योंकि सिंगल मदर्स के अपने खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं। और कैलिमपोंग यानी कि दार्जिलिंग के पास एक हिल स्टेशन है, वहां पे ये मूवी बेस्ड है। डार्क थीम मूवी है, आपको धूप नहीं देखने को मिलेगी पूरी पिक्चर में, मगर फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग की जो कला दिखाई गई है इस फिल्म में, बहुत ही लाजवाब है। तो भाई एक सिंगल मदर अपनी बेटी के साथ एक छोटे से हिल स्टेशन में शांति से रह रही होती है। वो अपने पति से दूर भाग के आई होती है क्योंकि उसके पति ने उसको बहुत तंग किया होता है। और इस माँ बेटी के पड़ोसी होते हैं बम बाबा पटाखा एक्टर जयदीप अहलावत। एक टीचर का रोल कर रहे हैं जयदीप अहलावत। और भाई जिस तरीके से वो कैरेक्टर में घुस गए ना, एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ मैथमेटिक्स से प्यार करता है, उसके जीवन में कुछ नहीं है, ना घर है ना परिवार है, पर वो जब पहली बार करीना को देखता है तो वैसे ही पागल हो जाता है जैसे हम लोग पागल होते हैं अगर करीना सामने आ जाए। भाई वो यकीन मानो, बिना वल्गैरिटी के, बिना छोटे कपड़े पहने जो हॉटनेस दिखाई गई है करीना कपूर की, इस मूवी में अलग ही लेवल पे है भाई। उफ हो जाता है, उसको देखते ही रहने का मन करता है। तो टीचर साहब हो जाते हैं लट्टू इनके ऊपर। और उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करीना का हस्बैंड, मतलब जो उसको तंग करता था, वो मूवी में वापस आता है। और उसके बाद जो मर्डर मिस्ट्री चलती है, जिस तरीके से सीक्वेंस की गई है कहानी, आपको कुर्सी से हिलने का मौका नहीं देगी। और भाई इस सब पे आइसिंग ऑन द केक है मिस्टर विजय वर्मा। वो एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा कनिंग है, यानी कि बहुत शातिर और बहुत हरामी। और मिड ऑफ द मूवी के बाद जो इन तीनों के बीच की कहानी स्टार्ट होती है, जयदीप अहलावत, करीना कपूर और विजय वर्मा, वो तो देख के मजा ही आ जाएगा। मूवी में मार्शल आर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और किस तरीके से बहुत ही इंटेलिजेंट और शातिर दिमाग काम करते हैं, उसके ऊपर जो प्लॉट चलाया है डायरेक्टर ने, लाजवाब है भाई। बस मूवी में कुछ थोड़े बहुत शॉर्टकमिंग्स है, कुछ लूज एंड्स छोड़े गए हैं स्टोरी के एंड में कि जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो आपको लगेगा कि यार वो कहां गया। और इन कुछ सवालों के जवाब शायद डायरेक्टर ने आपकी इमेजिनेशन के ऊपर छोड़े हुए हैं। मूवी में रंग बिरंगे कपड़े, नाच गाना, धम मसाला, एंटरटेनमेंट, ये सब का आपको फैक्टर कम मिलेगा, पर जिस तरीके की क्लास एक्टिंग की गई है तीनों मेजर एक्टर्स द्वारा, वो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो भाई कैसे एक हादसा जीवन कॉम्प्लिकेट कर देता है और उसके आसपास कितनी चीजें रिवॉल्व करती है, वो इस मूवी का क्रक्स है। ये मूवी देखनी इसलिए चाहिए क्योंकि दिमाग बहुत लगाया है, कहानी बहुत शानदार है, प्लॉट बहुत अच्छे से बनाया गया है, लोगों की एक्टिंग लाजवाब है, एंड थिंग्स यू डू फॉर लव, मतलब प्यार के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है, उसके ऊपर ये मूवी बहुत ही बढ़िया तरीके से जोर डालती है। विजय वर्मा और जयदीप अहलावत को 5/5 है भाई एक्टिंग के लिए। और करीना कपूर के बारे में तो क्या ही कहा जाए। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको पता लग गया होगा कि हम कितने दीवाने हो गए हैं करीना के इस मूवी के बाद। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट्स में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है।